वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदू खतरे में हैं। हिंदुओं के मकान और दुकान उपद्रवियों के निशाने पर हैं। हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ चल रही है। बांग्लादेश की शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है। हिंसा पर उतारू कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं की जान के पीछे बढ़ गई है। इस बीच आरएसएस ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाए। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सुनिश्चित करें कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित हैं। हमको विश्वास है कि सरकार कुछ करेगा। ये सरकार ने करना चाहिए। हमने सरकार को निवेदन किया है कि वो इसमें उचित कदम उठाए। वहीं डीएचपी ने कहा है कि बांग्लादेश में पीड़ित अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहें।